मैं डॉक्टर संतोष राय, आपका अपना आप जैसा सोचने वाला, आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आपके पास आया हूं। इससे न केवल आपको एक खूबसूरत सीख मिलेगी बल्कि अंदर से इंसानियत के भाव जाग जाएंगे। इंदौर की एक फेमस चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम चार पांच दोस्त बड़े आराम से बैठ गए और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और खिंचाई कर रहे थे कि एक 65-70 साल की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर भूख की दर्द के भाव, झुकी हुई कमर, आंखें धसी हुई, चेहरे की झुर्रियां ये बयां कर रही थी कि वे भूख से काफ़ी परेशान हैं। उनको देखकर मेरे मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब में हाथ डालकर कुछ देने की सोचते हुए जेब से हाथ बाहर निकाल लिया और उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे दोस्त फ्रेंड ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्हें पैसा देता तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये देता, लेकिन लस्सी तो 50 रुपये की थी, इसलिए लस्सी पिलाने के मेरे निर्णय से दोस्त मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं इस निर्णय के बाद तो गरीब हो जाऊँगा और दादी मुझे ठग कर अमीर हो जाएगी। दादी ने मेरी तरफ देखते हुए सर हिलाकर हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 10-15 रुपये थे मेरी तरफ कांपते हाथों से बढ़ाया। मैं कुछ समझ नहीं पाया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? तो दादी ने कहा, इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबू। भावुक तो उनको देखकर मैं हो ही गया था, बची खुची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखों में आंसू आ गए। भारी मन से मैंने दुकान वाले को एक लस्सी देने का ऑर्डर दिया। दादी ने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और वहीं बैठ गई। अब मैं बड़ा परेशान और लाचार हो गया क्योंकि अपने दोस्तों, दुकानदार और ग्राहकों की वजह से उन्हें कुर्सी पर बैठने को कह नहीं सकता था। डर था कहीं कोई टोक न दे कि इस भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला को हमारे बराबर बैठा दिया, लेकिन अपना कुर्सी पर बैठना मुझे काटने लगा। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास जमीन पर बैठ गया क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं स्वतंत्र था। दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा। इससे पहले कि कुछ मुझे कोई कहता, दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरी दुकान में ग्राहक तो बहुत आते हैं परंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप आगे खूबसूरत कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इंसानियत के जज्बे को अपने दिल में जरूर जगाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।